दतिया के इंदरगढ़ लॉन्च तिराहे पर धरना प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम करने वाले 57 कांग्रेसियों पर दर्ज हुआ मामला। इंदरगढ़ टीआई परमानंद शर्मा ने नामजद 57 कांग्रेसियों पर धारा 147, 341, 342, 294, 188, 269 एवं 51 वी के तहत की एफआईआर। इनके खिलाफ हुई एफआईआर कांग्रेस कमेटी प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा, पंजाब सिंह, रवि गुर्जर, फूल सिंह, केशव यादव, धर्मेंद्र, भानु ठाकुर, बहादुर, नासिर मंसूरी बिल्लू, रामकिंकर गुर्जर, हेमंत यादव, शैलू यादव, सरनाम सिंह, नाथुराम यादव, गोलू कमरिया, धर्मेंद्र सोनू, जयदयाल उमेश, अतर सिंह रामनिवास, रामजी निरंजन कुशवाहा, जाहिद खान, पातिराम पाल विभिन्न धाराओं में हुई एफआईआर। इस मामले में कांग्रेसियों ने धरने के दौरान किया कानून का उल्लंघन तो क्या कुछ जानकारी दी पत्रकारों को सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित एवं सेवड़ा एसडीएम अनुराग निघवाल ने क्या कुछ कहा, दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। कल का जो ज्ञापन था वो मुख्य तौर पे दो बिंदुओं से संबंधित था। एक तो जो पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है, इसी के साथ में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहां पर सहायता राशि। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तहसील इंदरगढ़ एवं तहसील सेवड़ा में पात्र हितग्राही जो है उसका जो आरबीसी 64 कंडिका के अनुसार हम लोग सहायता प्रदान करते हैं, वो अलग अलग पात्रता है। जिनका पूरा का पूरा सामान नष्ट हो जाता है, उनके घरों में पानी आ गया, कपड़ा बर्तन आपका बह गया, उन लोगों के लिए सहायता राशि 5000 दी जाती है। इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, चाहे वो कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, उन लोगों को शासन ने इस बार पहली बार 6000 रुपए की अनाबद्ध राशि दी थी। इसके साथ में जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उन लोगों के सर्वे हम लोगों ने सभी ग्रामों में पूरे कर लिए हैं। सर्वे उपरांत सूचियों का प्रकाशन किया है। प्रकाशन के बाद हम लोगों ने दावे आपत्ति लोगों से बुलाए हैं। उन दावे आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत हम लोगों ने पूरी सहायता राशि वितरण कर दी है। इसी वजह से उन्होंने आंदोलन में उन लोगों का जो डिमांड था वो डिमांड में एक तो यही था कि सहायता राशि जो लोगों को देना चाहिए उसको जो अभी के लिए जो नियम कायदे हम लोगों के सामने बने हुए हैं उसे बाहर जाकर दी नहीं जा सकती। उन लोगों का एक प्रमुख डिमांड था जितना क्षतिग्रस्त मकान हुआ है उन लोगों को आप पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास में बना के दें। ये शासन से संबंधित बिंदु है, इसमें हम लोग हमारे एग्जीक्यूशन विंग इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार उन लोगों का एक और जो डिमांड था वो डिमांड ये था कि आप जितने घरों में पानी घुसा है जिनका भी बर्तन आपका कपड़ा फ्रिज जो भी सामग्री होती है वो बह जाए तो उन्हें मुआवजा राशि 2 लाख तक की स्वीकृत कर दी जाए। परंतु आज के जो हम लोगों के सामने नियम कानून है हम लोग उसी के अनुसार पालन करेंगे। उसके अतिरिक्त हम अगर कुछ दे सकते हैं तो हम मदद जरूर कर सकते हैं लोगों की। इससे अतिरिक्त जो भी राशि सहायता के तौर पे दी जा सकती है वो हम लोगों ने वितरित कर दी है। पूर्व से घोषित प्रोग्राम था कि वो बाढ़ प्रभावित और बिजली समस्या नहर के जल प्रदाय को लेकर पूर्व से उनका था, जिसमें दामोदर यादव लीड कर रहे थे, उनके ब्रदर थे केशव यादव और अशोक दांगी जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, अन्य उनके पदाधिकारी थे। उनकी तरफ से ये था कि पहले वो मंच पे अपना वो करेंगे, आपस में मतलब सबको संबोधित करेंगे, इसके बाद वो ज्ञापन के लिए तहसील कार्यालय जाएंगे। वहाँ तहसील कार्यालय ना जाते हुए उन्होंने अपने प्रोग्राम को चेंज करके और सड़क पे जाम लगा दिया। उन्हें कई बार समझाइश दी गई किंतु वे नहीं माने और फिर बाद में तहसीलदार साहब आए, अन्य संबंधित जो अधिकारी जिनसे वो चर्चा करना था उनसे भी चर्चा की गई, तो रोड जाम जो किया गया उसके परिप्रेक्ष्य में 57 व अन्य लोगों के विरुद्ध, चूँकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए 147, 341, 342, 294 IPC 188, 269 के तहत कार्रवाई की गई है और आपदा प्रबंधन की धारा 51D में भी धाराएं लेख की गई हैं। 57 नामजद हैं और अन्य भी हैं उसमें।
और उनके द्वारा लगभग 3.5-4 घंटे तक जाम किया। उन्हें बार बार समझाइश दी गई परंतु उन्होंने अपनी जिद के आगे नहीं चलने दी। क्या इसके द्वारा और भी पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई की जिससे उत्पात मचाया हो? नहीं, उत्पात जैसी तो देखिए जाम हुआ तो लोग परेशान हुए, जाम लगाया तो परेशान हुए। उन्हें यद्यपि उसमें जो एम्बुलेंस वगैरह थी उनके लिए विशेष प्रयास करके उनको निकाला गया, पर अन्य आम जनता परेशान हुई, बाधित हुआ रोड। क्या पुलिस को और कैसे कदम उठाने पड़े जैसे कि लाठी चार्ज है? नहीं, लाठी चार्ज जैसी स्थिति नहीं आई, उनसे संवाद बराबर जारी रहा और उन्होंने केवल रोड ही जाम किया था, अन्य कोई संपत्ति को या अन्य किसी चीज का डैमेज जैसी स्थिति नहीं बनी, अन्यथा सख्ती भी की जाती। पर समझाइश के उस पर ही फिर उनको तहसीलदार साहब के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया, इसके बाद रोड खुल गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770222999।